इस मौसम के फलों में आम सभी फलों का राजा माना जाता है और सबका मनपसंद फल है। गर्मियों के मौसम में ताज़ा आम बड़ी आसानी से मिल जाता है, तो मैंने सोचा क्यों ना आज इसी की रेसिपी बनाई जाए। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। अगर रेसिपी ज़रा भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। आपके लाइक और सब्सक्राइब करने से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलेगी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए आज की रेसिपी शुरू करते हैं। यहाँ मैंने एक पका हुआ आम लिया है, वजन में लगभग 300 ग्राम है। मैंगो शेक बनाने के लिए जहाँ तक हो सके पका हुआ ही आम लें और बिना रेशे वाला आम लें। अब हम इसका छिलका उतार लेते हैं। इसी तरीके से सारे आम का छिलका उतार लेते हैं। सारे आम का छिलका मैंने अच्छी तरह उतार लिया है। अब इसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेते हैं। यहाँ मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। सबसे पहले हम मिक्सिंग जार लेंगे, कटे हुए आम के टुकड़ों को डाल देते हैं। साथ में ही ऐड करेंगे 3 चम्मच चीनी। चीनी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डालें। 1/4 चम्मच इलायची पाउडर डालेंगे। अब इसमें डालेंगे 1 गिलास दूध, वजन में 200 ml है। साथ में ऐड करेंगे थोड़े से आइस क्यूब। अब ढक्कन लगाकर सारी सामग्री को अच्छी तरह पीस लेंगे। आप देख सकते हैं सारा मैंगो पल्प कितनी अच्छी तरह पीस गया और बिल्कुल मलाई की तरह हो गया। तो चलिए अब सर्व कर देते हैं। थोड़े से दोनों गिलासों में आइस क्यूब डालेंगे, थोड़ा सा कटा हुआ आम के टुकड़े। अब मैंगो शेक को गिलास में डाल देते हैं। थोड़ी सी गार्निश कर देते हैं। दोबारा से थोड़े से कटे हुए आम के टुकड़े डालेंगे। अब थोड़ी सी ड्राई फ्रूट से गार्निश कर देते हैं, थोड़े से बादाम, थोड़ा सा पिस्ता। इसी तरह दूसरे ग्लास में भी डाल देंगे। थोड़ी सी चेरी भी डाल देते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ठंडा ठंडा मैंगो शेक तैयार है। फ्रेंड्स, आज की रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर लिखिएगा और आप भी अपने घर पे मैंगो शेक बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। फ्रेंड्स, आज की रेसिपी आपको ज़रा भी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। थैंक यू।